नमस्कार, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आज इंटरनेशनल टी डे है और टी का नाम सुनते ही काफ़ी लोगों का मन कर चुका होगा। आज हम उसी के बिहाफ पर बात करेंगे कि इंटरनेशनल टी डे के ऊपर टी की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या आपका सिनेरियो है इंडिया में, कैसे इसको कल्टीवेट किया जा रहा है, तो सब बातें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि टी का साइंटिफिक नेम है कैमेलिया साइंसिस और इसकी फैमिली है कैमेलिएसी। अगर हम इंडिया के परस्पेक्टिव बात करते हैं तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का आफ्टर द चाइना, और फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर में हम लोग इंक्लूड होते हैं। और टी जब कंजप्शन की बात आती है तो इंडिया को कोई बीट करने वाला नहीं है, हम सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कंजप्शन टी का करते हैं। वहीं अगर हम बात करें जो टी है उसको कल्टीवेट किया जाता है तो कैसे करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर आसाम में सबसे ज़्यादा टी कल्टीवेशन किया जाता है और कॉफ़ी कल्टीवेशन आपको पता है कर्नाटक में करते हैं। तो इंडिया में जो आपका टी कल्टीवेशन किया जाता है वो हायर एलिवेशन एरिया पर किया जाता है। इसके लिए जो रेनफॉल रिक्वायरमेंट है अप्रोक्सीमेटली 150 to 200 सेंटीमीटर जहाँ पर रेनफॉल होता है उस एरिया में किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें इसके लिए सॉइल की रिक्वायरमेंट, तो सॉइल इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होता है 4.5 to 5.5 पीएच में ये बेटर कल्टीवेट किया जा सकता है विद हाई ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट। एंड एज वेल एज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको कल्टीवेट जो किया जा रहा है उस टाइम पर इसको लोमी सॉइल में कल्टीवेट किया जाए, क्योंकि इसके लिए वाटर रिक्वायरमेंट काफी अच्छी खासी होती है। एज वेल एज अगर हम बात करें तो जो आपका टी है उसका आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर सबसे पहले जो आपका GI टैग दिया गया था वो दार्जिलिंग टी को ही दिया गया था, और दार्जिलिंग टी को सैम्पेन ऑफ टी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी दो इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ है जिनको जो है GI टैग मिला हुआ है। एज वेल एज अगर हम बात करें तो टी को कल्टीवेशन करने के टाइम पर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस होती हैं, इंपॉर्टेंट आपकी जो है इंटरकल्चरल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, उनमें से ट्रेनिंग और प्रोनिंग दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं। और ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक आपका होता है सेंटरिंग और एक आपका होता है इसमें टिपिंग। सेंटरिंग का मतलब होता है कि जो मेन स्टेम है उसको वहां पर उसको रिमूव करना, आपका उसको रिमूव करने से हम कहीं ना कहीं जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं, लेटरल जो लीफ होती हैं उनको इम्प्रूव किया जाता है, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है। एज वेल एज इसमें जो टिपिंग किया जाता है वो एक 35 सेंटीमीटर की हाइट पर करते हैं और एक आपका 60 सेंटीमीटर की हाइट पर करते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि टी के अंदर हम लोग प्रूनिंग भी करते हैं। प्रूनिंग में एक्चुअल में जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस होती हैं उनको रिमूव करने की प्रोसेस होती है, लेकिन इसमें दो प्रूनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसीडर की जाती है, एक रिजुविनेशन प्रूनिंग होता है और एक स्कीफिंग होता है। रिजुविनेशन प्रूनिंग का मतलब होता है कि एक प्रकार से जो प्लांट आपके काफी ओल्ड हो चुके हैं उनको दोबारा से रिजुविनेट करने के लिए हम लोग जो है उसमें हैवी प्रूनिंग करते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो एक लाइटेस्ट प्रूनिंग होता है और उसको हम लोग बोलते हैं स्कीफिंग। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि आपका स्कीफिंग जो है वो टर्म किससे रिलेटेड है, तो स्कीफिंग जो टर्म होता है वो टी से, और टी के अंदर जो प्रूनिंग करते हैं लाइटेस्ट प्रूनिंग उसको हम लोग स्कीफिंग बोलते हैं। और टी को टी के अंदर हम थ्री टाइप ऑफ प्रोसेसिंग करते हैं। एक प्रोसेसिंग आपका टी के अंदर होता है इसमें CTC प्रोसेसिंग, सी मतलब कर्ल है, टी मतलब उसके अंदर आपका क्या कहते हैं टीयर होता है, और सी जो होता है लास्ट का उसको कर्ल होता है। वहीं अगर हम बात करें तो जो आपका ऑर्थोडॉक्स होता है और एक ग्रीन टी उसको प्रोसेस किया जाता है, तो ये अलग अलग टाइप ऑफ प्रोसेसिंग है। और एक इसमें इंपॉर्टेंट टर्म लास्ट में बोलना चाहूंगा जो हम बोलते हैं गैपिंग। गैपिंग जो टर्म होती है वो एक्चुअल में क्या होता है, जब आपका कंप्लीटली ड्राइंग हो जाता है और उसके बाद टी को जो पैकेजिंग करने लगते हैं तो उससे पहले टी के अंदर ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाता है, और जिसकी वजह से जो आपका मॉइस्चर इसमें एक्चुअल में 3% होना चाहिए ड्यूरिंग द पैकेजिंग वो 4% हो जाता है। तो उसी मॉइस्चर को रिड्यूस करने के लिए उसको हीटिंग अप किया जाता है, और उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, आपका गैपिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म और इंपॉर्टेंट नॉलेज थी रिगार्डिंग द टी एंड टी कल्टीवेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको यहां पर दी जाती है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम जो आपके एग्जाम परस्पेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट रहती है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।